लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और सब्सक्राइब करें। सारी अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए ये बेल का बटन जरूर प्रेस करें। हाथरस में विद्युत तकनीकी कर्मचारी एकता संघ एवं उत्तर प्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ की हाथरस इकाई ने बिजली घर पर किया धरना प्रदर्शन। कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। कर्मचारियों का आरोप है कि निजीकरण के चलते कर्मचारियों की मांगों एवं समस्याओं को दरकिनार किया जा रहा है। आप ओढ़पुरा पर क्यों आए हो? किस बात को लेकर हड़ताल हो रही है? ये मांगे हैं कि मांगे पूरी कराने के लिए हड़ताल हो रही है। क्या नाम है आपका? डी के शर्मा। आज ये धरना दिया गया बिजली विभाग पर क्यों दिया गया? बिजली विभाग का जो धरना दिया गया है ये प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण उनका जो दुष्परिणाम है जो जनता झेल रही है और आगे झेलेगी उसके विरोध में दिया गया है। जिस सरकार ने सबसे पहला जो निजीकरण किया था वो सन 2000 में किया था। 2000 में उनकी मिलीजुली सरकार थी, बसपा की और भाजपा की। ऊर्जा मंत्री उस समय हुआ करते थे नरेश अग्रवाल। उन्होंने मिलकर के प्रदेश को 4 टुकड़ों में 5 टुकड़ों में बांट दिया। अब आपकी क्या मांग है? आज सब को खत्म कर दिया। अब आपकी क्या मांग है? हमारी इस समय ये मांग है कि निजीकरण के जो 5 शहरों का प्रस्ताव इन्होंने दिया है उसको खत्म किया जाए और जिस हिसाब से बिजली व्यवस्था चल रही है उसी में सुधार किया जाए। तो जो शहर इनके द्वारा चुने गए हैं बिल्कुल गलत चुने गए हैं। उनका 25 रुपये से लेकर 75 रुपये तक है और ये आगरा का जो निजीकरण का हवाला दे रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। आगरा में जो कंपनी इस समय निजीकरण में काम कर रही है वो उसको महंगी बिजली खरीद करके सस्ती में बेच रहे हैं, जो घाटे का सौदा है। इसको जो है जनता को भोगना पड़ेगा और जनता वहाँ पर सस्ती बिजली के लिए तरस रही है, उसके दुष्परिणाम प्रदेश को भोगने पड़ेंगे। हाथरस की मुरसान पुलिस ने चोरी की बाइक सहित एक युवक को किया गिरफ्तार। आपको बता दें मुरसान कस्बा इंचार्ज रामबाबू शर्मा ने गश्त के दौरान युवक सहित बाइक को किया था बरामद। प्रारंभिक पूछताछ में पकड़े गए युवक ने अपने आप को एरई निवासी बताया। उन्नाव के शुक्लागंज में सुभाष नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब घर के बाहर खड़ी कार में अराजक तत्वों ने आग लगा दी। क्षेत्रीय लोगों ने एकत्र हो आग पर काबू पा लिया। सूचना पर पहुंची गंगाघाट पुलिस अब जांच में जुट गई है। टीगढ़ के खैर तहसील के जट्टारी में युवक को तेज रफ्तार कैंटर ने रौंदा जिससे युवक की हुई दर्दनाक मौत। घटना से गुस्साए परिजनों ने किया अलीगढ़ पलवल मार्ग को बाधित। काफी मशक्कत के बाद प्रशासन ने खुलवा पाया जाम। उठाया है, देखा उसमें सांस चल रही थी। अगर सही टाइम पे ये पुलिस वाले वहाँ पे उसे ले जाते, ट्रीटमेंट मिल जाता तो बच्चा बच सकता था। श्रावस्ती के इकोना में धूमधाम से निकाली गई भगवान श्री राम की झांकी और डीजे की धुनों पर थिरके युवक। प्रशासन ने भी झांकी को लेकर मुस्तैदी दिखाई। अपने आसपास हो रही किसी भी असामाजिक घटना को भेजें हमारे पास और बने समाज के प्रति जिम्मेदार। हम आपकी आवाज को पहुंचाएंगे महकमों से जुड़े जिम्मेदारों तक। हमें मेल करें support@tv30india.com पर या हमें व्हाट्सएप करें 9758766843 पर। और साथ ही TV30 डिजिटल मीडिया नेटवर्क के YouTube चैनल TV30 को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।